फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इजी पोटैटो ऑनियन रिंग्स। चलिए देख लेते इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। मैंने दो मीडियम साइज का बॉयल पोटैटो स्मैश करके लिया, आधा कप चीज लिया और इसमें ये आधा स्पून टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया, 1 टीस्पून मैंने गार्लिक लिया, 1/2 टीस्पून मैंने हर्मिक्स हर्ब्स लिया, ये चिली फ्लेक्स लिया 1 टीस्पून और नमक जो जितना स्वाद अनुसार लगेगा वो देना है और एक अंडा मैंने फेंट के ले गया और ये मैदा लिया मैंने तो व्हाइट फ्लोर। और सबसे पहले जो ज़रूरत है ये ऑनियन, तो ये ऑनियन को मैं काट लूँगी। ऐसे करके काट के एक एक रिंग्स ऐसे करके मैं निकाल लूंगी। ये देखिए सारा रिंग्स हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। अभी हम लोगों को स्टाफ रेडी करना है। ये रिंग्स तो हो गया है, इस रिंग्स के अंदर मैं स्टाफ डालूंगी, इसके लिए स्टाफ रेडी करूंगी। तो ये बॉयल पोटैटो के साथ मैं ये डाल दूंगी एक एक करके, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स पहले भी बोला था, 1/2 टीस्पून ये ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, इसको मैश करना बहुत अच्छे से, सारा कुछ बहुत अच्छे से मैश करके स्टफ को रेडी करना है। देखिए फ्रेंड्स ये रेडी हो गया। अब हम एक एक रिंग्स लेंगे और उसमें ऐसे करके स्टफ कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके सारा मैं रेडी कर लूंगी। देखिए ऐसे करके सारा मैं रेडी कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये सारा डिंग्स मैंने रेडी कर लिया स्टफिंग करके। अभी इसको एक एक करके मैं लूंगी, ये एग में मैं डिप करूंगी, फिर इसको मैदे में ऐसे करके डिप करके, फिर मैं एक में और एक बार डिप करके ब्रेड स्क्रम में ऐसे करके मैं सारा रेडी कर लेती हूँ। ओके एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स ये सारा रेडी हो गया, फिर मैं एक एक करके इसको डीप फ्राई करूंगी, एक एक करके मैं डाल देती हूँ। हल्का ब्राउन होने तक इसको हम लोग फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है, ऑलरेडी ये ब्राउन हो गया है। हम लोग अभी एक एक करके इसको निकाल लेंगे ऐसे करके। Thank you.
एक-एक करके मैं सारा निकाल लिया और दूसरा बैच भी मैं डाल दूंगी इसमें और फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये भी हो गया है, गोल्डन हो गया है, इसको मैं निकल देती हूँ। फिर गर्मा गर्म हम लोग इसको सर्व करेंगे और इसके साथ चाय हो तो इसका बात ही कुछ अलग बन जाएगा। रेडी हो गया, फिर हम लोग ये इसको सर्व करेंगे।